हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज पढ़ना और आप देख रहे हैं द इंटीरियर बारी शोभा अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूं और मेरे इस चैनल पे मैं इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड वीडियो बनाती हूं मेरे पास इंस्टाग्राम में बहुत सारा सवाल आया हुआ है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर अगर मैं सिंगल वर्ड में आपको जवाब दूँ तो शायद आपको समझ में ना आ, आ पाए तो इसलिए मैं एक टॉपिक उठाऊँगी और उसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी तो आज का टॉपिक है किचन किचन के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने सबसे पहले किचन का टॉपिक उठाई हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इंडियन ओमन एवरेजली फोर टू फाइव आवर्स किचन में बिताती है इसलिए किचन बनाने के टाइम पर आपको ध्यान रखना चाहिए जो किचन का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए उसका हाइट क्या काउंटर टॉप का हाइट क्या होना चाहिए काउंटर टॉप का डिप कितना होना चाहिए मतलब जो स्लैब होता है उसका डिप कितना होना चाहिए चिमनी कहाँ लगना चाहिए और चि किचन का वास्तु क्या होना चाहिए आज आज हम ये सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ताकि जब आप किचन बनवाए तो आपको हेल्प हो जाए और वहाँ पे आप कंफर्टेबली काम कर पाए सबसे पहले बात करते हैं किचन वास्तु के बारे में किचन के लिए वास्तु के अनुसार साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छा होता है इसे अग्निकोन भी बोला जाता है आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सके जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपना किचन बनाने का अब बात करते हैं किचन के साइज़ के बारे में एक स्टैंडर्ड किचन के लिए आठ फीट बाई पाँच फीट का जगह बेस्ट रहता है आठ फीट लंबा और पाँच फीट इसका चौड़ाई हो ये साइज क्यों चाहिए अब मैं आपको वो समझाती हूँ पाँच फीट में से दो फीट जाएगा आपका स्लैब और तीन फीट चाहिए कंफर्टेबली काम करने के लिए और मूव करने के लिए ताकि दो आदमी आसानी से काम कर पाए चार फीट लंबा इसलिए चाहिए क्योंकि एक सिंक का साइज़ होता है चौदह इंच जब आप सिंक को लगाएंगे तब वाल से एटलीस्ट चार इंच से लेके कर पाँच इंच का आपको गैप छोड़ना चाहिए इसलिए वहाँ पे छोड़ दिए आप चार इंच उसके बाद दो फीट का गैप छोड़ के आपको अपना गैस स्टोव रखना चाहिए वहाँ पे चला गया आपका चौबीस इंच उसके बाद एक स्टैंडर्ड गैस स्टोव का साइज होता है थर्टी इंच के बाद आपको फिर से ट्वेंटी फोर इंच छोड़ना चाहिए वॉल से गैप रखने के लिए ये गैप इसलिए चाहिए अगर आप वहां पर कोई सामान रखेंगे तो वो चीज़ जल सकता है आप सारा मेजरमेंट को टोटल करते हैं तो चार इंच हो गया आपका सिंक और वॉल के बीच का गैप चौदह इंच हो गया आपका सिंक का साइज फिर चौबीस इंच हो गया है, सिंक और गैस स्टोव के बीच का गैप गैस स्टोव का साइज हो गया थर्टी इंच और गैस और वॉल का वॉल के बीच में जो गैप है उसका आ गया आपका चौबीस इंच तो टोटल हो गया आपका नाइन्टी सिक्स इंच नाइन्टी सिक्स इंच मतलब आठ फीट अगर आपका किचन इस साइज़ का ऑपोजिट हो मतलब आठ फीट चौड़ाई और पाँच फीट लंबाई तब आप क्या करेंगे तब आप आप पैरल किचन के साथ जा सकते हैं पैरल किचन कैसा होता है यहाँ पे दो काउंटर टॉप एक दूसरे के ऑपोजिट में आता है और बीच में जगह रहता है काम करने के लिए अब इसका आठ फीट का साइज को डिवाइड करते हैं कैसे तो दो फीट दो फीट का दो दो स्लैब आएगा दो ऑफिस ऑपोजिट काउंटर के लिए और बीच में चार फीट का गैप रहेगा जी जहाँ पे दो आदमी आसानी से काम कर पाए और यहाँ पे जिस काउंटर टॉप के ऊपर गैस लगेगा ठीक उसके ऑपोजिट वाला काउंटर टॉप के ऊपर आपका सिंक लगेगा पर्सनली मुझे पैरेलल किचन बहुत पसंद है अब बात करते हैं काउंटर टॉप के हाइट के बारे में काउंटर टॉप का हाइट 32 से लेकर 36 इंच होना चाहिए आपका हाइट पाँच फीट और उससे कम है तो आपको थर्टी टू इंच का काउंटर टॉप चाहिए और अगर, अगर आपका हाइट पाँच फीट और पाँच फीट से ज़्यादा है तो आपको थर्टी सिक्स इंच काउंटर टॉप चाहिए काउंटर टॉप का हाइट ये क्यों ये साइज क्यों होना चाहिए आप उसके बारे में बताती हूँ अगर काउंटर टॉप का हाइट कम होता है तो आपको ज़्यादा झुक के काम करना पड़ेगा और अगर आपका काउंटर टॉप का हाइट ज़्यादा होता है तो आपको हाथ थोड़ा सा उठा के काम करना पड़ेगा इससे आपको हाथ में दर्द होगा और और ज़्यादा झुक के काम करेंगे तो आपका कमर में दर्द होगा इसलिए काउंटर टॉप का हाइट हमेशा कोशिश कीजिएगा आपका आपका कमर के बराबर हो अब बात करते हैं किचन कैबिनेट के साइज के बारे में लोअर साइड किचन कैबिनेट बनाने के टाइम पे आपको याद रखना है जो यहाँ पे आपको दो इंच का स्केटिंग देना बहुत ज़रूरी है इससे क्या होगा जो आप इजीली किचन को क्लीन कर पाएंगे और अगर किचन में कभी पानी गिरता है तो आपका कैबिनेट को खराब नहीं करेगा इसके बाद आपको ढाई फीट का जगह मिलेगा किचन कैबिनेट बनाने की किचन कैबिनेट का डेप्थ दो फीट होना चाहिए ताकि सिंक गैस स्टोव ये इजीली उसमें आ जाए किचन टॉप से चौबीस इंच छोड़ के आप ऊपर वाला कैबिनेट बना सकते हैं ऊपर वाला कैबिनेट का हाइट आपको जितना चाहे आप रख सकते हैं मगर उसका डिप्थ हमेशा नीचे वाला कैबिनेट का डिप्थ से आधा ही होना चाहिए जैसे सोचिए नीचे वाला कैबिनेट का डिप्थ अगर टू फीट है तो ऊपर वाला कैबिनेट का डिप्थ वन फीट होना चाहिए जब आप काम करें ऊपर वाला कैबिनेट आपका सर पे ना लगे और आप इजीली काम कर पाए अब बात करते हैं किचन के सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में वो है किचन चिमनी के बारे में दो साइज का चिमनी अवेलेबल है मार्केट में एक है सिक्सटी इंच और एक है नाइन्टी इंच का ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा जो आप कौन सा लगाएंगे देखते जो चिमनी को आप कहाँ पे लगाएंगे चिमनी और गैस टॉप के बीच 28 से 32 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए ना ही इससे ज़्यादा ना ही इससे कम क्योंकि क्योंकि इससे कम होगा तो आपको काम करने में दिक्कत होगा इससे ज़्यादा होगा तो चिमनी धुएँ को पकड़ नहीं पाएगा किचन के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होप आपको ये हेल्पफुल लगे अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको और भी कुछ जानना है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किचन का पूरा साइज़ अभी आपको मालूम हो गया है कारपेंटर उतना इजीली आपको धोखा नहीं दे पाएगा नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे मटेरियल्स के ऊपर किचन मटेरियल्स के ऊपर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बा